प्रेज़लोर हालेलुया परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सभी को फेथ लाइफ सोसाइटी हाउस ऑफ गॉड की ओर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु को धन्य कहेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने वायदों को और अपने हर एक किए हुए प्रॉमिस को हमारी ज़िंदगी में पूरा करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज़ बिछाते हैं मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारी ज़िंदगियों में अपने वायदे अनुसार हर एक वायदे को पूरा करेंगे परमेश्वर। अपनी योजनाओं को प्रभु आप हमारी ज़िंदगियों में पूरा करेंगे। आज हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ परमेश्वर, हम अपने आप को पूरी रीति से आपको सरेंडर करते हैं और चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमें जाहिर करें कि हमारी ज़िंदगियों से आपको क्या प्रयोजन है मेरे पिता। हाँ परमेश्वर, चाहते हैं आज का ये वचन बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषों को लेकर आए। होने दे परमेश्वर कि आज बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं मेरे पिता। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के सारे आराधकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं परमेश्वर हर एक आपके लहू के द्वारा आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने पाए मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि आज देखने वाला हर एक व्यूअर आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में रिसीव करने पाए। हर बात में प्रभु आपको धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं मेरे पिता। और ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में तालियों के साथ हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई चल के चरने हैं। ओ हो, घाटी पहाड़ों उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हो, हमें किसी का डर अब तो नहीं है, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, चराता है। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ हो, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओ हो, क्योंकि यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपको सलाम कहना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग स्क्रीन पे बैठे हैं, मैं उन सब से बात कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज
आपके हृदय से बात करने जा रहा है कि आप तैयार हैं। और बड़ा भारी वचन है आज का, और आप कहेंगे कौन सा भारी वचन सुनाने जा रहा हूं। सचमुच प्रभु यीशु मसीह का वो वचन कि बोला है कि रविवार का दिन पवित्र रखना और उस और मेरे लिए रखना, क्योंकि छह दिन तो संसार के हैं और रविवार का दिन विश्राम दिन पवित्र दिन मेरा है। बड़ा भारी वचन है। संडे चर्च जाना है, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे माता पिता झगड़ा कर रहे हैं कि चर्च हम नहीं जाएंगे, चर्च नहीं जाएंगे, लेकिन पूरे दिन बैठ के क्रिकेट मैच तो देखेंगे, तीन तीन घंटा पिक्चर तो देखेंगे। लेकिन भारी वचन जो यीशु मसीह ने कहा है, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम मेरे पास आओ तो यीशु मसीह का वायदा 99 कदम वो आपके पास आने के लिए तैयार है। आपको पता है भारी वचन क्या है? हबक्कू नवी ने, जो कि ईसा के पूर्व सातवीं शताब्दी में जो कि ये वचन लिखा गया, भारी वचन हबक्कूब नबी ने भविष्यवाणी की थी, और जो कि हबक्कूब की पुस्तक एक बाप उसकी एक आयत में ऐसा लिखा, जो मैं आज आपसे परमेश्वर बात करने जा रहा है। बड़ी प्रार्थना के साथ बैठिएगा, आज परमेश्वर आज आपके जीवन से बात करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? मैं कहना चाहता हूँ मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, वचन बहुत भारी है। और वचन कहता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह ने दो आज्ञा दी, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। दूसरी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। क्या आप करते हैं मेरी बहन, मेरे भाई? भारी वचन है। और मूसा तो दो आज्ञाएं लेके आया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह दो आज्ञा ले आया। वो व्यवस्था के द्वारा लिखी गई, यीशु मसीह ने आत्मा के द्वारा बोली, हम आत्मा के चलाए चलते हैं अवश्य जिएंगे, यदि आप संसार के द्वारा चलते हैं अवश्य मरेंगे। और इसलिए मैं चाहूंगा जल्दी से एक वचन पढ़े जो बहुत भारी है। भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया। दर्शन में पाया, क्या पाया? एक इसी की 13 आयत में पढ़ेंगे, एक की 13 आयत में लिखा हुआ है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। हबक्कूक नबी उसके एक बाप की एक दो तीन चार पढ़ेंगे आपके सामने। मैं बताना चाहता हूँ उसका जो दर्द है, छाती में दर्द है, भारी वचन जो परमेश्वर ने उसको दिया और उसने भविष्यवाणी करके बोल दिया, क्या बोला है सुनिए। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा, तू ना सुनेगा, मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा। हाँ, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होगा। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। भारी वचन है, दुष्ट लोग धर्मी को घेरे हुए हैं। आज भी धर्मी जन को जीने नहीं देते हैं। अगर आपके घर में एक जन धर्मी है तो पांच लोग उसको दबाए हुए हैं और कहते चुप जा, क्या पादरी साहब बन गया, वो बड़ी बात करता है बाइबिल की। मैं कहना चाहता हूँ हो सकता है ये घटना आपके संग भी घर में होती होगी। आपकी पत्नी बहुत बोलती होगी, अरे पति जी बड़े पादरी साहब बन रहे हो, बड़े वचन बोल रहे हो। भारी वचन है, और ये भारी वचन भविष्यवाणी करके हबक्कूक नबी ने, जो कि ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी के लगभग अंत में भविष्यवक्ता हबक्कूक ने वचन उस समय लिखा है, उस समय बोला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उपद्रव देख रहा है और कह रहा है परमेश्वर क्या बात है कि ये भारी वचन, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या हो रहा है, कि तू क्यों नहीं देखता, तू क्यों नहीं इनको नाश करता है, नष्ट कर रहे हैं उपद्रवी। मैं आपको बताना चाहता हूँ सारा की औलाद बहुत कम है, विश्वासी लोग बहुत कम है, लेकिन हाजरा की औलाद जीने नहीं दे रही है सारा की औलाद को। क्यों? क्योंकि वो संसारिक हैं। आप धर्मी हैं इसलिए ना तो आप अपनी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे दबाव है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ लोग आपको दबा रहे हैं, आप घर के अंदर हैं, आप वचन पे चलना चाहते हैं लोग आपको जीने दे रहे हैं। भारी वचन है हबक्कूक नबी का, दर्द है कि लोग किस तरह से दबाए जा रहे हैं, किस तरह से न्याय का खून हो रहा है, किस तरह से धर्मी लोगों को सताया जा रहा है। मैं भारी वचन बता रहा हूँ, और इसलिए लिखा हुआ है जकरिया की पुस्तक और उसका 12 बाब उसकी एक आयत में ऐसा लिखा हुआ है, 1-3 तक पढ़ दें। हालेलुया। जकरिया के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा समझते हैं
हमारे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता की बात हो रही है और ये यहोवा की खुद भारी वचन बोल रहा है, यहाँ पर आपसे बात कर रहा है भारी वचन। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? अपने कान खोल लीजिए और बड़ी बुद्धि खोलकर, कान को खोलकर सुनिए और समझिए इस वचन को। हाँ, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, हाँ, पृथ्वी की नींव डालने वाला, हाँ, और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, हाँ, उसकी ये वाणी है, देखो मैं यरूशलम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के लिए मत का कटोरा ठहरा दूंगा, मत का कटोरा ठहरा दूंगा। हाँ, जब यरूशलम घेर लिया जाएगा, हाँ, तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलम के विरुद्ध उठी इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल हो जाएंगे। मेरे अजीज परमेश्वर, इज़राइल एक कंट्री है, इज़राइल आप और हम हैं। मैं आपको इज़राइल के नाम पे बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे लोग कहेंगे, चलिए मैं आपको इज़राइल का टूर करा दूं, मैं इज़राइल घुमाने ले जाऊं। मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जहां तुम रहते हो मैं तुम्हें वहीं इज़राइल बना दूंगा, लोगों के लिए आशीष का कारण बनिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप प्रभु के दास दासी हैं? आप उसके बेटा बेटियां हैं? मैं कहना चाह रहा हूं, ये भारी वचन परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा को आकाश को तानने वाला, पृथ्वी को नींव डालने वाला, मनुष्य की आत्मा को रचने वाला, उसकी ये वाणी है। क्या उसने आकाश को छतरी के समान तान कर रख दिया, पृथ्वी को पानी के ऊपर नींव डाली है? भारी वचन है। और ये धरती पर जब आप खड़े हैं, ये पानी के ऊपर नींव पड़ी हुई है, और हमारे और आपके अंदर जो आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भारी वचन, क्या आप उठ के डेली धन्यवाद करते हैं कि बड़ा भारी वचन है मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत भारी वचन है। मैं बताना चाहूँगा कि वचन बता रहा है कि अपने माता पिता का आदर कर, इफिसियों 6 और उसकी 1 में जाएंगे, 1, 2, 3 पढ़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि जो कि भारी वचन है, जो कि अभी प्रभु यीशु मसीह का आपके सामने पढ़ा जाएगा। हालेलुया। मैं अब वापस न्यू टेस्टमेंट में आ गया हूं, मैं ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा था, यशायाह नबी की, हबक्कूक की, और मैं एक जगह और बताना चाहूँगा, मलाकी की, पहले 1 और 1, 2, 3 पढ़ दें, उसके बाद हम न्यू टेस्टमेंट में चलेंगे। भारी वचन, मलाकी नबी ने भी कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि भारी वचन है, मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन, यहोवा का भारी वचन। फिर मैं बताना चाहता हूँ मलाकी की पुस्तक में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, क्या वचन है? यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। भाई बहनों सुन लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमसे प्रेम किया है, उसके बाद हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। उसने हमें अच्छी आंखें दी, अच्छा शरीर दिया, और हमें आज जीवितों की जमीन पर जीवित रखा है, अच्छी पत्नी दी है, देख रहे हैं आप, अच्छे बच्चे दिए जो वर्शिप कर रहे थे अभी आपने देखा, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छा चर्च, हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च, अच्छा शुभ संदेश चैनल, जो कि आज तक आज आपको न्यूज़ हमारा शुभ संदेश पहुंचा रहा है, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरे अजीज सुन लीजिए भारी वचन, और वो क्या है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया बिना किसी शर्त। हम लोग जो करते हैं ना, किसी लालच में करते हैं, मोह माया में करते हैं। मैंने किसी से पूछा कि भाई आज एक गांव में गया तो बड़ी खुशियां, डांस हो रहा है और ढोल धमाके बज रहे हैं, क्या हुआ? बोले यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो मैंने कहा खुशी किस लिए? बोले बुढ़ापे का सहारा है। है ना, मतलब कि बेटा पैदा हुआ तो बुढ़ापे का सहारा, बेटी होती तो क्या बुढ़ापे का सहारा नहीं होती? आजकल मेरे अजीज भारी वचन है, बेटियां माँ बाप को देख रही हैं, बेटे तो धोखा दे रहे हैं, घर बेच के भाग जाएंगे, लूट के भाग जाएंगे, आपका सोना चांदी ले जाएंगे। मेरी माँ सुन लीजिए, मेरे पिताजी आपसे कह रहा हूँ, बुजुर्ग धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस गांव के अंदर बड़ी खुशियां मना रहे थे, बेटा हुआ है, बुढ़ापे में देखेगा, और जब बुढ़ापा आया तो बेटा धोखा दे के भाग गया। बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह लिख रहा है, बता रहा है, भारी वचन है, और वो ये कह रहा है कि मैंने तुमसे प्रेम किया। फिर तुम पूछते हो तूने हमसे किस बात में प्रेम किया? क्या लिखा हुआ पढ़ लीजिए, मलाकी 1:2 में। हाँ,
यहोवा यूं कहता है, हाँ, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तुम पूछते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। सच हम प्रभु से पूछते, तूने हमें किस बात में प्रेम किया। अरे ये जो बोल रहे हो ना, रात को खाना खाते हो ना, सुबह भूखे उठते हो, रात में भूखे नहीं सोते, यही प्रेम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस बुजुर्ग माँ को अनाथ आश्रम पहुँचा दिया। आपका बच्चा आपको धोखा दे सकता है, और इसीलिए लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, यिर्मयाह 17:7 में, धन्य वे जो यहोवा पे भरोसा रखता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारी बच्चा नहीं है। तो आपने भरोसा अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पे रखना है। और इसीलिए एक भारी वचन जो कि मैं पढ़वाना चाह रहा हूं, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक उसका 6 और उसकी 1-3 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, हाँ, क्योंकि ये उचित है, क्योंकि ये उचित है। भारी वचन यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा, क्या कहा, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, क्योंकि यह उचित है, अपनी माता और पिता का आदर कर, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा। क्या आप कितनी बहन जी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे बुआ फूफा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं, मेरे बुजुर्ग माता जी पिता जी आप भी सुन रहे हैं, मेरे बच्चों आप भी सुन रहे हैं, बिलीवर्स आप भी सुन रहे हैं, क्या आपने अपने माता पिता को इज्जत करते हो, आदर करते हो? और बाइबल कहती है, जब तेरी माँ बुजुर्ग हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना, अपनी जननी को आदर सम्मान करना। लिखा हुआ प्रोवर्ब्स में, मैं आपको वहां पर लेके जाना नहीं चाह रहा हूं, मैं इतने बताना चाह रहा हूं, लिखा है जो कि मरकुस की पुस्तक उसका 7 उसके 10 में लिखा हुआ, ये व्यवस्था की बात है, पुराने नियम की, मैं मूसा क्या कह रहा है बच्चों को, हे बालको 7:10 में लिखा, मरकुस 7 उसकी, क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, अपने पिता अपनी माता का आदर कर, हाँ, जो कोई पिता व माता को बुरा कहे, जो कोई अपने पिता और माता का बुरा कहे, वह अवश्य मार डाला जाए। कोई बोल दे, एक दूसरे से बोल दीजिए, अपने घर में बोल दीजिए कि पुराने नियम में लिखा हुआ, मूसा की जो व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो अपने माता पिता का अनादर करे उसे मार डाला जाए। सुन रहे हैं बालको, बच्चे सुन रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप कहते हैं हम तो खुद माता पिता हैं, नहीं, आपके भी माता पिता घर के अंदर बैठे हैं या थे जो स्वर्ग लोग चले गए। मैं कहना चाहता हूं, क्या आपने, आप कह रहे हैं मेरे बच्चे बहुत खराब है, पादरी साहब प्लीज मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे बच्चे दारू पी के आगे मारते हैं। मैंने बात नीमच की है, मैंने एक बुजुर्ग, उनको बेटा उनको गाली दे रहा है, उनको मार रहा है, और हम उनके घर पे प्रार्थना करने गए, बोले हमारा एक ही बेटा है, प्लीज प्रार्थना कर दीजिए पादरी साहब, यहाँ पे हम आपका चर्च खुलवा देंगे। मैंने कहा नहीं, हमें चर्च खुलवाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आप दारू पीते हैं? बोले हाँ। मैंने, आपने अपने माता पिता का आदर किया? बोले नहीं। तो मैंने कहा जैसा बोओगे तो वैसे तो काटोगे, आपने जो बोया वो तो काटोगे भाई। और बड़ा अच्छा लिखा है कि कुलुसियों की पुस्तक में, मैं कहना चाहता हूं जो कि आपको मिलेगा 6 कुलुसियों 3 उसकी 20 में लिखा है, ये भी है, हाँ, हे बालको सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा, सब बातों में, सब चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, घटिया हो, सुंदर हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, कैसी भी हो, सब बातों में, बच्चों के लिए लिखा सब बातों में, बहुत गुस्सा आता है ना, शांत हो जाइए, पापा हो सकता गलत कह रहे हो, मेरे अजीज मम्मी हो सकता गलत कह रही हो, थोड़ी देर बाद जब ठंडा माहौल हो जाए तो बोलना पापा जी आपने जो ये बोल रहे थे बात गलत थी, ऐसे है, समझ में आ जाएगी। लेकिन जब माता पिता आपको कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपको रिसीव करनी है, क्योंकि लिखा है अपनी माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, यीशु मसीह कह रहा है ये पहली आज्ञा। आपको पता है मूसा की 10 में, सिस्टर प्रियंका मुझे बता रही थी, 5वां हुक्म क्या है, अपने माता और पिता का आदर कर। सिस्टर मिसेस जुलियाना पॉल भी कह रही थी माता पिता का आदर कर, 5वीं आई थे। मैं कहना चाहता हूँ भाई विक्टर साहब गाजियाबाद से कह रहे हैं अपने माता पिता का आदर कर, तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। आपने अपने खेत में, मैंने कहा अंकल जी आपने अपने खेत में क्या बोया, सरसों? बोले हाँ। तो मैंने कहा क्या गेहूं काटोगे?
बोले नहीं सरसों बोई सरसों काटेंगे। तो आपने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, माता पिता को परेशान किया। आप होंगे डॉक्टर होंगे, लेकिन आपके माता पिता बड़े दुखी रहे और अपने बच्चे को सुधार नहीं पाए। आप ड्रिंक करते हैं, आपका बेटा ड्रिंक करके आपको मार रहा है और आपका नहीं सुन रहा कहना, क्योंकि आपने अपने माता पिता का आदर नहीं किया। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जितना बोगे उतना काटोगे, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। मेरे आशीष, हम लोग कई बार एक भारी वचन है कि लिखा है पहले अपनी आँख का लट्ठा देख ले तब अपने भाई का आँख का तिनका निकाल सकेगा। भारी वचन है, हम एक उंगली तो उठा देते हैं, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसने ऐसा किया, इसने काला किया, इसने पीला किया, इसने चोरी करी, इसने रिश्वत ली। पहले ये तीन उंगली देख लीजिए कहां है। सावधान, लोगों को दिखाने के लिए अपने काम मत करो। बड़ा अच्छा लिखा है 6:1 में, मैं बस वापस चल रहा हूं, कुलुसिया की पुस्तक में लिखा है, हे बालको सब बातों में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, आज्ञा का पालन करो, क्योंकि क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है, प्रभु इससे प्रसन्न होता है। मेरे बच्चे सुन रहे हैं, भारी वचन है। आज आप कहोगे पादरी साहब हमारे पीछे पड़ गए। आजकल बच्चों को माता पिता ने मोबाइल लेके देंगे, खुद तो लेकर के 10,000 का फोन, 12,000 का, लड़के को दिलाएंगे 1,00,000 का लोन पे, और किस्त वाले घर पर खटखटा रहे हैं, फोन कर रहे हैं भैया पैसे डालो। पैसा नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, लेकिन लड़का और लड़की को, बेटा और बेटी को 1,20,000 आईफोन, 75,000, 80,000 का। बाइबल बच्चों के पास होगी नहीं, वचन सिखाते नहीं, बाइबल के बारे में सिखाते नहीं। और अंकल बोले मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, तो और बेटा पी के आके हमें गाली बकता है। तो मैंने कहा अंकल पहले आपको सुधरने की जरूरत है, भारी वचन है, जो बोगे वो काटोगे, पहले आपको प्रार्थना करनी है, घुटने टेकने, दारू छोड़नी है, पान का गुटखा खाने की आदत है, नशा पत्थर करने की आदत है, आपकी पत्नी भी वही करती है, छोड़ देंगे तो आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका घर आशीषित। भारी वचन है, हे बालको अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है, उसके साथ ये प्रतिज्ञा भी है, ये यीशु मसीह का वचन है। और मूसा तो कह रहा है ऐसे बच्चों को मरवा डालो, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मरवा नहीं डालो, उन्हें शिक्षा दो, उन्हें समझाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। मेरा यीशु मसीह शरीयत को खत्म करने नहीं आया, लोप करने नहीं आया, पूरा करने आया है। आज की इस सुबह सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने सुबह उठ के सबसे पहले क्या देखा, अरे ये किसकी मिस कॉल है रात को, ये किसने मैसेज भेजा गुड नाइट का, ओ सुबह उठ के जल्दी से उठे तो बोले ड्यूटी जा रहे हैं, बाइबिल तो पढ़ी नहीं, कैलेंडर सामने कैलेंडर है, आज की तारीख क्या है, आज क्या तारीख है, कमिंग सैटरडे, आज 17 तारीख है, आज 18 तारीख है, आज 19 तारीख है, आज शनिवार है। मैं कहना चाहता हूं दो लाइन पढ़ लेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी ना होगी। अरे भैया पूरा जीवन फटा हुआ है, घटी घटी है आपके जीवन में घटी, एक लाइन पढ़ लिया, किसी ने रस्ते में पूछा या ड्यूटी पे पूछा या भाई ने फोन करा, आज तुमने बाइबिल पढ़ी, बोले वो तो टाइम नहीं मिला, हमने वचन पढ़ लिया कैलेंडर में। मेरे अजीज आज आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, आज आपके ऊपर कर्ज भारी पड़ा हुआ है, भारी वजन कंट्रोलों से भी ज्यादा, कई मन वजन है, कई लाख के कर्जे में है आप, गाड़ियां कर्ज पर है, घर कर्ज पे है, जीवन कर्ज में है, फिर भी आपकी नक्शेबाजी खत्म नहीं होती, ड्रामा खत्म नहीं होता, शोबाजी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि आपने अभी तक परमेश्वर का भय नहीं माना। और बाइबिल बता रही है, बड़ा भारी वचन है, कि अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा प्रतिज्ञा भी है, इससे क्या होगा, तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। अगर मेरे भाई मेरी बहन मेरे आशीष, भारी वचन है कि तू अपने माता पिता का आदर करेगा, ये पहली आज्ञा प्रतिज्ञा भी है, तो तू तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। मेरा अजीज मैं बात बच्चों की कर रहा हूँ और बच्चों के बारे में लिखा हुआ है मूसा की रीति में कि ऐसे बच्चे जो आदर नहीं करते मरवा दिए जाए। फिर आगे लिखा हुआ है इसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कुछ पिताओं के बारे में माता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्चे माता पिता को मिसगाइड कर रहे हैं, घर बिकवा रहे हैं, गाड़ी बिकवा देते हैं, पूरे घर का को कर्ज में डाल रहे हैं, ये बच्चे कर रहे हैं जो आज्ञाकारी नहीं होते, जो कि कॉलेज में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, जुआ के अड्डे पे जा रहे हैं, वैसे अभिवृद्धि के अड्डे पे जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को पहचानिए। माता पिता मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बच्चों को क्या शिक्षा दी है, अगर वो और बाइबिल बता रही है जो वचन पे नहीं चलता, यीशु मसीह का भारी वचन है। आपको बताऊँ क्या है, कुछ लोग बाहर खड़े यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, भीड़ लगी हुई है, और चेले ने आके कहा तेरी बहन तेरी माता तेरा भाई बाहर खड़े तेरा वेट कर रहे हैं, भारी वचन है। तो यीशु मसीह ने कहा कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन। सुन रहे हैं ना आप मेरे अजीज, स्क्रीन पे सुन रहे हैं,
भारी वचन है। उसने कहा मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता, वही है जो ये ऐसे हाथ करके दिखाया, ये जो मेरा वचन सुनते हैं और ग्रहण करते हैं उस पर चलते हैं, यही मेरे भाई बहन और माता है। मेरे अजीज भारी वचन सुन रहे हैं अपना। आगे लिखा हुआ है चौथी आयत में, हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे बच्चे वालों, बच्चों को रिस न दिलाओ, और लिखा परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अगर आपने बच्चों को शिक्षा दी है प्रभु के मार्ग की, और आपने PhD करा दी है, आपने इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, और ये काले रंग की पुस्तक पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बिकती है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा लोग इस पर चलते हैं, वो क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने इसकी शिक्षा नहीं दी है, इंजीनियर डॉक्टर को बना दिया है, तो आपके बच्चे आपको अनाथ आश्रम पहुँचा देंगे, सारा लूट कर फौरन चले जाएंगे। मिसेस बात जो बता रहा हूँ, बच्चों को रिस मत दिलाओ। आज माता पिता दारू पी के दह थप्पड़ दारू पी के आते हैं, बीवी को मार रहे हैं, बीवी पति को मार रही है, और उसके बाद बच्चे देख रहे हैं हमारे घर में गाली गलौज झगड़े, दुआ कभी होती नहीं, संडे चर्च कभी जाते नहीं। मेरे माता पिताओं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर आप कहते पादरी साहब हमारे बच्चे के लिए बदल दे करो, हमारा घर बिगड़ गया है, बहुत रो रहे हैं। जिसके फोन देखो दिन भर में कम से कम 50 फोन आते हैं, हमारा बच्चे खराब हो गए, हमारे बच्चे लुटेरे हो गए, हमारे बच्चे चोर हो गए, हमारे बच्चे शराबी हो गए, हमारे बच्चे कबाबी हो गए। कारण क्योंकि आपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा नहीं दी। हालेलुया। मेरे अजीज भारी वचन है। आज मैं बस इतने कहना चाहता हूँ, यदि कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। आपको कोई एक कोर्स लेके जाना चाहता है, दो कोर्स चले जाओ। आपकी कोई शर्ट लेना चाहता है, पैंट भी दे दो। परमेश्वर कह रहा दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। बस मैं एक लास्ट कहना चाहता हूँ, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है, भारी वचन है, जगत में सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आप मेरे भाई जो बैठे हुए TV पर आज मुझे सुन रहे हैं, आपने वचन को पूछा, मैंने पूछा किसी आंटी से, बोली 3 बार बाइबल पढ़ चुकी, कोई बोली 6 बार पढ़ चुकी। मैंने कहा आपका बपतिस्मा हुआ, आपने मन फिराया, वो क्या होता है? क्योंकि भारी वचन है, बॉर्न अगेन वही होता है जो वचन सुनता है, ग्रहण करता है और मन फिराता है। यीशु मसीह ने पहला प्रचार भारी वचन का, जो कि मत्ती की पुस्तक 4:17 में लिखा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपने अभी तक मन नहीं फिराया, आपने अभी तक किसी आत्मा को नहीं बचाया, तो भारी वचन रिसीव नहीं किया है। इसलिए आप मसीह ईसाई तो हैं पर विश्वासी मसीह नहीं है। भारी वचन है ये, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, सुन रहे हैं ना, आपके लिए कह रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, इस वचन से आपको आशीष मिले। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और जिस जगह आपको प्रॉब्लम अपने राइट हैंड्स को रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह, ये भारी वचन आज आपको चंगा करने जा रहा है। अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय जितने लोग हमें टीवी पर और स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, जिस जगह भी उनकी तकलीफ है, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, BP प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, अर्थराइटिस, वो दुष्ट आत्मा जो नरक चाहिए, अभी हुक्म देता हूं नरक में जाने का। एक बड़ी चंगाई को मैं स्वर्ग साथ हुए देख रहा हूं। ये भारी बचाने जो यीशु मसीह, आपने कहा लाजर था, उसका नाम लेकर पुकारा, वो चंगा हो गया और जिंदा वापस बाहर आ गया। आपने प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी को शुद्ध किया, आपने 12 वर्ष से बहने वाली रोगी को, लेडी को चंगा कर दिया। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने सामने बैठे, मैं उन सब की चंगाई को मानता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, भारत देश के लिए जितने भी विश्वासी हैं, बिलीवर्स हैं, उन सबको, यदि कोई बीमार है, समस्याओं में है, कर्ज हो गया है, और प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए, कोर्ट समस्या है, घर की समस्या है, आज उनसे छुटकारा दे, बड़ी चंगाई को दे, रिहाई दे, स्वतंत्रता को दे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए। प्रभु भारत देश को आशीष और कल्याण कर। प्रभु जितने लोग समस्या में, उनकी समस्या को दूर कर। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी शुभ संदेश चैनल को देख रहे हैं, TV बैठे, जिन्होंने हमें फ़ोन किया है, व्हाट्सएप किया है, हम विशेष उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके घरों में शांति दे, चंगाई को दे, इनका कल्याण कर। विशेष शुभ संदेश चैनल टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी समय बड़ी आशीष कल्याण कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं, और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।